मैडम उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकी कि एमएलए होते हुए। पैसों की ताकत पर एमएलए बनने की ख्वाहिश रखते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, पैसे के दम पे अगर एमएलए एमपी बनना है तो अडानी अंबानी भी आज एमएलए एमपी सीएम रहते थे। नासिर हुसैन उस्ताद एक ऐसा कैंडिडेट, उसमें सलाहत है, इंग्लिश, कनाडा, हर चीज से फिट है। यहाँ पर जो मजहबी इलेक्शन आ गया है, ये कोई पार्टी इलेक्शन नहीं है। अब हमको सब इत्तेहाद होकर हमारे मजहब को एक इत्तेहाद करके हमारी ताकत बताना है। गुलबर्गा के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद ही काबिल लीडर हैं। जेडीएस पार्टी के जिम्मेदारों का बड़ा बयान आते हुए, आइए देखते हैं इस मौके पर सभी लोगों का क्या कहना है। दो लोगों का इंतकाल हुआ, मैयत करने नहीं दे रहे थे, मैयत वहां पर जाकर नासिर उस्ताद मजर एडवोकेट, हम पूरे वहां पर जाकर मैयत करने के वास्ते एसपी से परमिशन लेकर मैयत करें। मैडम से बात किया, फराज अल इस्लाम से बात किया, आदिल सुलेमान सेठ से बात किया, खाली जो है भपकी देते गए। मुसलमानों की क़यादत को बरकरार रखना है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में अली जनाब नासिर हुसैन साहब साहब को चुनना बहुत ज़रूरी है। अली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने हर वक्त हर जगह हिजाब का मामला हो, चाहे गाय गोशी का मामला हो, चाहे अलन का दरगाह का मामला हो, वहाँ पर कई बच्चों को गिरफ्तार किया गया, यही ख्वाहिश नासिर हुसैन उस्ताद साहब थे, उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया, कोई लीडर वहाँ पर नहीं आया। आने वाले इलेक्शन के अंदर आवाम से भी जो है ना हम अपील करते हैं और तमाम दानिश्वरों से भी अपील करते हैं कि ये लोग आगे बढ़कर जनाब नासिर हुसैन उस्ताद को जो है ना मजबूत बनाए। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल करीम वेडिंग मॉल, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल। बड़े अरसे के बाद एक मौका बैट देने का मिला है मुझे। ये बैट देने का मकसद ये है कि ज़ाती मफाद इसमें किसी का नहीं है, बेहतर से बेहतर आज हमारी आवाम को जो तकलीफ़ात गुजर रहे हैं, हर आवाम के बेहतर फैसला कौन क़ायद कर सकता है और कौन लीडर कर सकता है, इसको हमको चुनना है। वो इसलिए कि आप गुज़िश्ता कुछ महीनों के अंदर देख रहे हैं हालात, जो हमारी मस्जिदों से अज़ाएं नहीं देना बोल कर आता है, हमारी मस्जिदों के पास 40 हनुमान 40वां पढ़ा जाता है, तो आज इस मौजू के ऊपर इतने इशूज़ के ऊपर कोई बोलने वाला क़ायद नहीं बचा हमारे पास। और हमें अगर उस क़ायद को चुनना है तो हमारी नज़र में और आवाम के बेहतर हक़ में फ़ैसला करने वाला आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं, क्योंकि हम पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं हर जगह नासिर हुसैन उस्ताद साहब बड़ी जिद्दोजहद से आवाम के लिए ठहरते हैं और आवाम के लिए रात में 2 बजे 3 बजे जब भी फ़ोन करो वो हाज़िर होते हैं। तो ऐसे क़ायद की हमें बहुत ज़रूरत है, ख़ासतौर बल्कि साउथ नॉर्थ नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करने के लिए वो आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं। मुसलमानों की क़यादत को बरकरार रखना है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब को चुनना बहुत ज़रूरी है और उनकी क़यादत में सब मिलकर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। सबसे अच्छा क़ायद जो है हमारा गुलबर्गे के लिए काम और मेहनत से काम करने वाला वो है नासिर हुसैन उस्ताद। 4-5 सालों में जो गुलबर्गे की हालत हो चुकी है, बंडिया वाले से पकड़ के दूसरे तक हर छोटे तबके वाला परेशान हाल में है, क्योंकि हमारे पास क़यादत नहीं है। आज मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ आपको। फर्स्ट कोरोना लहर चालू हो गई, मैंने मैडम से बात किया, फराज अल इस्लाम से बात किया, आदिल सुलेमान सेठ से बात किया, खाली जो है भपकी देते गए। मेरे एरिया का अबरार बोल के एक दिल्ली से वापस आया हुआ था, मेरे एरिया के 5 बच्चे अंदर चले गए थे। मैं जबकि फ़ोन करके बोल रहा हूँ मैडम को, मैडम जो है निर्मला को फ़ोन दिए, वो हुसैन बादशाह की पूरी सपोर्ट में, मैडम उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकी कि एमएलए होते हुए। वो 14 दिन का उसका पीरियड ख़त्म होने के बाद सर्टिफिकेट बांटने के वास्ते आ गए। ये हालत हमारी हो गई है आज। सपोर्ट करते हुए नासिर उस्ताद को जनता दल सेकुलर को जिताए और हमारी क़यादत को मजबूत करे। अवाम जानती है हिंदुस्तान के हालात, बिलखसूस कर्नाटक का, जो मुस्लिम क़यादत या नहीं रहने की वजह से हिजाब का मामला हो, गावकशी का मामला हो, कोई जमात बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रही है। ये वाहिद जमात थी जनता दल सेकुलर, हमारा नेशनल खायद
श्री कुमार स्वामी ने इस चीज़ को उठाया, इसको आवाज़ उठाया और गुलबर्गा में अली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने हर वक्त हर जगह हिजाब का मामला हो, चाहे गायकोशी का मामला हो, चाहे अलन का दरगाह का मामला हो, वहाँ पर कई बच्चों को गिरफ्तार किया गया। यही खायद नासिर हुसैन उस्ताद साहब थे, उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। कोई लीडर वहाँ पर नहीं आया और यहाँ पर क़ियादत गुलबर्गा में नहीं है। मैं आवाम से बिलखसूस कहना चाहता हूँ, मुसलमानों की क़ियादत ख़त्म हो चुकी है। इस बार इंशाअल्लाह अली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब को हम आप मिलकर मुत्तहिद होकर वोटों को तकसीम ना करें। और देखिए नौजवान पढ़ा लिखा कौन है, कुव्वत किस में, बासलाहियत कौन है, कौन डायनेमिक है, कौन बात कर सकता है, ऑफिशियल में कौन बात कर सकता है, बताइए कौन लीडर है। वो लीडर को चुनिए आप वो काबिलियत नासिर हुसैन उस्ताद में है जो एक एजुकेटेड है। तो हम ये सोचे कि भाई हम लोगों के पास जाके जो है ना अपील करेंगे कि भाई नासिर हुसैन उस्ताद साहब को साथ दें और उनके तहत में बात किए करें और उनको आने वाले इलेक्शन के लिए एक अच्छा ख़यात मजबूत करें। बीजेपी के ये जितने भी गुंडारा चलाने वाले लोग हैं वो मुसलमानों को आए दिन तकलीफ़ दे रहे हैं। उसी बनिस्बत पर यहाँ पे आज हम लोग मशवरा कर रहे थे कि आने वाले जो अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं वो इलेक्शन के ताल्लुक से गुलबर्गा नॉर्थ की क़यादत कौन करे शहर के अंदर, उसके ऊपर लोगों की इत्तेफाकन राय ये आई कि जो है ना शहर को एक मजबूत और असेंबली के अंदर बात करने वाला एक मजबूत लीडर हो शहर के अंदर आने वाले इलेक्शन के अंदर। और आवाम से भी जो है ना हम अपील करते हैं और तमाम दानिश्वरों से भी अपील करते हैं कि ये लोग आगे बढ़कर जनाब नासिर हुसैन उस्ताद को जो है ना मजबूत बनाएं और उनको जो है ना लोग उनके साथ जुड़ें। आने वाले इलेक्शन का भी टाइम है तो हम इसी बात के ऊपर जो है ना इत्तेफाक करते हैं। यहाँ के MLA का कोई काम नहीं है, कोई कारनामा नहीं है और जो भी नए नए ख्वाहिशमंद हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं MLA बनने की, जो पैसों के दम पर अपनी पैसों की ताकत पर MLA बनने की ख्वाहिश रखते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ पैसे के दम पे अगर MLA MP बनना है तो अडानी अम्बानी भी आज MLA MP CM रहते थे। एक पैसे वाला अपना कारोबार धंधा करने वाला कारोबार धंधा करना चाहिए और बाकी के शहर के लोगों को भी सोचना चाहिए। शहर के अंदर आज अलंद के इशू में होने के बाद अलंद के एक 200 नौजवानों को पकड़ा गया, मारा गया, जेल में डाला गया, वैसे केस में नासिर हुसैन उस्ताद और हम पूरे मिलकर अलंद जाकर दो लोगों का इंतकाल हुआ, मैयत करने नहीं दे रहे थे मैयत, वहाँ पर जाकर नासिर उस्ताद मज़र एडवोकेट हम पूरे वहाँ पर जाकर मैयत करने के वास्ते SP से परमिशन लेकर मैयत करें। गुलबर्गा शहर के अंदर दिन ब दिन हर चीज़ के ऊपर मुसलमानों को तकलीफ दिया जाए, मार्केट के अंदर बंडी वालों को, ऑटो वालों को, रिक्शे वालों को मार रहे हैं, दिन डेली फोन आते रहता है, वो भी कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल के जो कर्नाटक के अंदर माहौल ऐसा है, कर्नाटक कंपल्सरी कर दिया है, हम उर्दू में जाकर तो कोई हमारा सुनने वाला नहीं, वो चीज़ में फिट है और डेरिंग बाज है, आप आधी रात में बुलाया आता है, काम भी किस हालत में बुलाया आता है, अच्छे में आता है, बुरे में आता है, ऐसा कैंडिडेट है। अब हम सब यूनिटी होकर वैसे कैंडिडेट को अगर जिताएंगे ना, हमारे गुलबर्गे की, मुसलमानों की, कौम की एक इज्जत बरकरार रहती है, वरना नहीं तो ये सीट हमारे हाथ से जाने वाली है। और यहाँ पर जो मजहबी इलेक्शन आ गया है, ये कोई पार्टी इलेक्शन नहीं है, अब हमको सब इत्तेहाद होकर हमारे मजहब को एक इत्तेहाद करके हमारी ताकत बताना है, वरना नहीं तो हम बिखर जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल करीम वेडिंग मॉल, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल।